बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम फ्रॉम विजडम हाउस स्कूल क्लास 5। टुडे आपका लेक्चर होगा 35 डेज़ का, पेज नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। और होमवर्क भी आपने करना है क्वेश्चन नंबर 19 का, बी सी एंड जी पार्ट, और टेबल भी आपने करना है 11 एंड 12। ओके स्टूडेंट, नाउ ओपन द पेज ऑफ 50। ये स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब इन ये हमारे पास जो क्वेश्चन ये दिए हुए हैं, इनको मिक्स फ्रिक्शन कह सकते हैं। अब इनको पहले प्रॉपर फ्रिक्शन में लेके आएंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए खास से है, तो मिक्स फ्रिक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 10 10 में ये ऊपर जो होगी वो प्लस कर देते हैं, तो 12 वैसे का वैसे डिनोमिनेटर में ये वैसे की वैसे ही वैल्यू। ऐसे ही पहले इनकी सबके फ्रिक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। इसको इससे किया 8 8 में 5 प्लस किया 13/8 आ जाएगा, और इसको भी हमने आगे मल्टीप्लाई कर दिया 8 और 1 9/4 आ जाएगा। ऐसे ही ये आ जाएगा 10 2 20 20 में 1 प्लस किया तो 21, और यहाँ पे 8 1 8 8 में 3 प्लस किया तो 11 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये इससे मल्टीप्लाई किया 3 11 3 33 और 1 प्लस किया 34/11। ऐसे ही हमने इनको भी सॉल्व कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि ये 3 5 15 और 1 प्लस किया तो 16 16 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर सेम वैसे का वैसे ही रहेगा, 6 1 6 6 में 5 प्लस किया तो 11/6 आ जाएगा। और ये हमारे पास 3, इसका ये पहले से ही ऑलरेडी बनी हुई है, ये हमें सारे के सारे जितने भी मिक्स फ्रिक्शन थी हमने उनको क्या किया, पहले मल्टीप्लाई करके इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू जो होगी वो प्लस करके लिख देंगे, डिनोमिनेटर जो है नीचे वाली वैल्यू जो है वैसे की वैसे ही रहेगी। ओके स्टूडेंट, अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आगे सिंपलेस्ट तरीके से। देखिए, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, उसको 1 लिख देंगे, ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई, तो 13 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये कर दिया। अब ये आगे मजीद सॉल्व हो सकता है, क्योंकि जब ये प्रॉपर फ्रिक्शन आए तो ऊपर वाली वैल्यू अगर बड़ी हो तो नीचे वाली वैल्यू पर डिवाइड करके इसको सॉल्व किया जा सकता है। 36 को अगर 5 पे डिवाइड करेंगे तो 36 को 5 7 35 और 1 कैरी, तो इसका आंसर कितना हमारे पास आएगा, 7 सही 1/5, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ऐसा ही हमने बाकी भी सॉल्व कर लेना है, जितना सॉल्व सिंपलेस्ट कर सकते हैं अपना करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 13 × 9 और ओके स्टूडेंट, ये हमने लिख लिया। अब देखें कोई चीज़ इसमें से डिडक्ट हो रही है तो ये हो रही है, 2 9 1 9 9 2 18 होता है, 18 होता है, तो नीचे हमारे पास आएगा 13/8 आ गया। इसको डिवाइड कर दें 13 को 8 पर, तो 8 1 8 लेस करने से हमारे पास कितना आएगा, 1/5/8, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अब 3 3 फ्रिक्शन आ रही है, तो हमें इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने क्या करना है, सारी फ्रिक्शन को इकट्ठा कर लें, बेशक 21 11 और 34, 10/8/11। ओके स्टूडेंट्स, तो सबको पहले इकट्ठा कर लिया। अब देखेंगे पहले जो डिडक्ट हो रही है उसको कर लेंगे, 11 11 से डिडक्ट हो गया, कोई चीज बाकी नहीं बची। ओके स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे 2 पे देखें, 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 4 और ये 2 17 ये हो रहा था। ओके स्टूडेंट, अब हम आगे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे हमारे पास आ जाएगा 40 10 4 40 आ जाएगा, और 21 को 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 5 7। तो अब इनको हम डिवाइड करके देख लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है, जब ऊपर वाली वैल्यू बड़ी आ जाए तो हमें उनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 पे करेंगे तो 8 40 कितना होता है, 220 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास बाकी आ गया 37, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 8 37/40, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको बेशक इकट्ठा कर लेते हैं, 16 × 11 × 3 3 × 6 × 5, देखिए ये 3 3 से कैंसिल हो गया, और ये 2 पे डिडक्ट हो रहा है, 2 3 और 2 8, तो ऊपर हमारे पास इतना बचेगा 8 और क्या बचेगा 11, और यहाँ पे नीचे 3/5 ये आगे हाल नहीं होती, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, तो आ गया 88 और नीचे वाला मल्टीप्लाई आ गया 50, तो 88 को 15 पर डिवाइड कर दिया, तो 15 का टेबल हमने पढ़ा, 15 5 75 पे करेंगे 75 आ जाएगा, तो हमारे पास बाकी आ जाएगा 13, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 13/15,
ये हमारे पास इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक सो आपको समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट, राइट द डे एंड डेट ऑन योर कॉपीज एंड नोटबुक एंड कंप्लीट द ऑल क्लास वर्क एंड होमवर्क ऑन डेली बेसिस रेगुलरली। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।